नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगामी आपकी परीक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। तो मित्रों, आइए देखते हैं आज इस वीडियो में शंखो चौधरी एवं अमरनाथ सहगल पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अमरनाथ सहगल एवं शंखो चौधरी। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 में कंपबेलपुर अटक पाकिस्तान में हुआ एवं मृत्यु 28 दिसंबर 2007 दिल्ली में। अमरनाथ सहगल की पत्नी शीला धवन एक शिक्षिका थी। अमरनाथ सहगल 1950 में न्यूयॉर्क सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से कला की शिक्षा ग्रहण की। अमरनाथ सहगल ने अपने करियर की शुरुआत लाहौर में एक इंजीनियर के रूप में किया। मित्रों, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य कलाकारों से ये भिन्न इंजीनियर थे। अमरनाथ सहगल मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे, जबकि चित्रकार और कवि भी थे। प्रसिद्ध कलाकार अमरनाथ सहगल 1947 में भारत विभाजन के बाद दिल्ली आ गए थे, वहीं पर अपना स्टूडियो स्थापित किया। अमरनाथ सहगल ने 1960 में विज्ञान भवन दिल्ली के फोयर में स्थापित कांस्य भित्त म्यूरल तैयार किया, जो 40 फीट से 140 फीट फैलाव का निर्माण किया था। अमरनाथ सहगल के इस म्यूरल के लिए भारत सरकार द्वारा 14 सालों तक मुकदमा चला था। 1986 में पेरिस आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण द कैप्टिव कांस्य मूर्त की डिजाइन तैयार की, जो बाद में राष्ट्रीय महिला दिवस पर रोवेन द्वीप केप टाउन नेल्सन मंडेला पूर्व द्वीप जेल में स्थापित की गई। अमरनाथ सहगल द्वारा एक बड़ी पत्थर की मूर्त नई दिल्ली यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीमिंग ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की गई। 2004 में अमरनाथ सहगल के रामायण और महाभारत पर उनके चित्रों की प्रदर्शनी ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास की श्रद्धांजलि के रूप में अब्दुल कलाम इंदिरा गांधी कला केंद्र में उद्घाटित किया गया। अमरनाथ सहगल के पत्थर एवं धातु की मूर्तियां नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में संग्रहित है। मरणोपरांत 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई। तो मित्रों, ये अमरनाथ सहगल पर महत्वपूर्ण तत्व थे। अब आइए देखते हैं शंखो चौधरी। शंखो चौधरी का जन्म 1916 में परगना बिहार में एक संथाल परिवार में हुआ। शंखो चौधरी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के बाद शांत निकेतन से फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। 1946 में शंखो चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा का कार्य किया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट, मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा। शंखो चौधरी स्मारक प्रतिमा निर्माण के लिए नेपाल गए और वहीं धातु में कास्टिंग का अध्ययन किया। शंखो चौधरी मूर्तकला के क्षेत्र में बढ़ौदा की छाप विशेष दृष्टिकोण से पत्थर तराशने के क्षेत्र में थी, जिसका सूत्रपात शंखो चौधरी ने किया। शंखो चौधरी ने पत्थर पर सीधी तराश का काम पहली बार शुरू किया, यद्यपि वे धातु को ढालने में भी संलग्न थे। शंखो चौधरी 1980 में दार ए इस्लाम विश्वविद्यालय तंजानिया में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1984 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। पुरस्कार में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर से गोल्ड फ्लेक का पुरस्कार प्राप्त किया। ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है, गोल्ड फ्लेक पुरस्कार। विश्व भारती द्वारा अमन गगन व देश कोत्तम का पुरस्कार शंखो चौधरी को भी प्राप्त है। 1956 में केंद्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार एवं मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य शंखो चौधरी को 1971 में पद्मश्री एवं 1982 में अकादमी रत्न की सदस्यता मिली।
मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास पुरस्कार नंदलाल के अलावा शंखो चौधरी को भी प्राप्त है। मित्रों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार खंडवाल ने शंखो चौधरी पर टिप्पणी की है कि वे एक साथ ही प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं, हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। कृतियाँ: घड़ा लिए महिला, अंगड़ाई लेती हुई महिला, फिगर खान अब्दुल गफ्फार खां का सभी चित्र आदि। मूर्त शिल्प में पीजन पिकॉक, हेड ऑफ गर्ल, ये इम्पोर्टेंट, टॉयलेट पत्थर से बनी पक्षी, स्टेनलेस स्टील आदि। तो मित्रों, आज की वीडियो इतना सा। आगामी वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।